गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रतुमान, योर मैथमेटिक्स टीचर फॉर क्लास 8, 9, and 10 इन मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल हिसुआ। स्टूडेंट, टुडे जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 12A फॉर क्लास 8 फ्रॉम आर एस अग्रवाल बुक। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डायरेक्ट इनवर्स। प्रीवियस डे जस्ट हैव डिस्कस थ्योरीज एंड वर्कआउट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट इनवर्स एंड थ्योरी ऑफ ऑल्सो थ्योरी ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द टेबल गिवेन बिलो एंड एन इच वन काइंड वेदर एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनल। चेक करना है आपको इसमें से कौन प्रोपोर्शनल है। आपको दो तीन टेबल दे चुके हैं। फर्स्ट में देखो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9। रेशियो, आपको रेशियो कांस्टेंट होना है ना, व्हेन द रेशियो इज कांस्टेंट देन दे आर प्रोपोर्शनल टू इच अदर कह सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तब तो फिर आप कहेंगे ही कि ये आपका प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें चेक कर लो, 3, 3 जा 9, 5, 3 जा 15, 8, 3 जा 24, 11, 3 जा 33 एंड 26, 3 जा 78। देख रहे हो, यानी कि हर एक में जो आपका चार कंडीशंस दिए हैं यहाँ पे, है ना, फोर कंडीशंस हैं, तो वो सारे में क्या दिख रहा है कि सब प्रोपोर्शन, यानी कि सबका रेशियो इक्वल है। दैट मीन्स दे आर एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनल टू इच अदर, और एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल वो भी हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपका लास्ट वाला जो है ना, 14 और 42, वो मैच नहीं करता है। 10 फोर जा 40 हो जाएगा, बट 14 3 जा होता है यहाँ पे। दैट मीन्स ये आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो। जब सभी होंगे तभी कहोगे। उसी तरह से इसमें चेक करो, 5 3 जा 7 3 जा 21 9 3 जा 15 4 जा, तो यहीं पर से आपका कैंसिल हो गया, यानी कि अब ये भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। हाँ, इस तरह से आप चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर टू आप बनाओगे, वर्कआउट एग्जांपल में ऐसा बना चुके हो, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। एक्स एंड वाई के बारे में बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तब आप क्या फाइंड करोगे, एक्स वन बाय एक्स टू एंड बाय वन को फाइंड आउट करना इन द गिवन टेबल। सिंपल सा है, व्हेन एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर देन द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट, है ना। तो ये सब चीज तो आप लोग को मालूम ही है, ये भी बन जाएगा आपसे, कल ही तो बताया था वर्कआउट एग्जाम्पल में। ए ट्रक, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर इन 34 लीटर ऑफ डीजल। बना लो टेबल इसके लिए भी, है ना। क्या कहा गया है, एक ट्रेन देखा जाए यहां से, इस तरह से चलेंगे हम लोग, ट्रेन के बारे में बात की है ना, ट्रक है, तो कितना लीटर डीजल है आपका, 34 लीटर डीजल, सॉरी यहाँ पे डीजल और यहाँ पे किलोमीटर, 34 लीटर में कितना जा रहा है ये आपका 510। तो वही क्वेश्चन का कि हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर ऑफ डीजल, यानी कि 20 लीटर में कितना, तो बस ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, आप फाइंड आउट कर लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कल ही बताया था ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ए टेक्स्ट चार्जेस ए फेयर ऑफ रुपीज 2550 फॉर ए जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना किलोमीटर के लिए कितना चार्ज है, तो 150 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर के लिए 2550 रुपीज का चार्जेस है। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे बना लो टेबल। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा है, ये किलोमीटर चार्जेस यहाँ पे है 150, यहाँ पे 124 है, तो 150 के लिए कितना दिया गया है आपको, 2550। यहाँ पे आपको x फाइंड आउट कर लेना, बन जाएगा एकदम बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है।
फाइव नंबर देखो, ए लोडेड ट्रक कवर 16 किलोमीटर इन 25 मिनट्स एट द सेम स्पीड, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर। तो यहाँ पे देखो 25 मिनट्स में आपको 16 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो 5 आवर में कितना करेंगे जी, तो 5 आवर मीन्स कितना मिनट हो जाएगा आपका, है ना। देखा जाए यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है, किलोमीटर यहाँ पे टाइम को दे दोगे, टाइम आवर में जो है, आवर को मिनट में बदल देना, ठीक है। तो आपका है 24 किलोमीटर, सॉरी 24 है 16 है, और ये 25 मिनट, यहाँ x और यहाँ पे कितना 5 आवर मीन्स 5 6 300 मिनट्स हो गया, और क्या इस तरह से ही 5 आवर को आप 300 मिनट्स लिखोगे तब ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इजी है, आपसे बन जाएगा। 6 नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6, इफ 18 डॉल कॉस्ट 3630 रुपीज, इफ 18 डॉल्स कॉस्ट 630 रुपीज, हाउ मेनी डॉल्स कैन बी बाउट फॉर रुपीज 455। तो सिंपल सा है, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, टेबल में रख दो, डॉल कितना डॉल आएगा, प्राइस यानी कि रुपीज यहाँ पे जो भी है प्राइस, है ना। तो आपका कितने का कितना प्राइस है जी, डॉल वाले को डॉल में रखोगे तो 18 डॉल है 630 हो गया, कितना रुपीज आपको दे दिया जा रहा है 455 है, एक्स डॉल फाइंड आउट कर लोगे। तो ये सब बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, आप बनाओगे बन जाएगा सब। 9 नंबर देखा जाए, इफ 9 केजी ऑफ सुगर कॉस्ट रुपीज 238.5 रुपीज, हाउ मच सुगर कैन बी बाउट फॉर रुपीज 371। तो सिंपल है, 9 केजी के लिए उतना प्राइस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, आप रखोगे टेबल में बन जाएगा आपसे। 10 नंबर देखा जाए, द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 981, व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ कैन बी परचेस्ड फॉर 1308 रुपीज। तो सिंपल सा है, लेंथ रख दो, कॉस्ट रखो एक जगह, एक टेबल में लेंथ रखेंगे, दूसरे टेबल में कॉस्ट रखेंगे, है ना। इस तरह से लेंथ बना लोगी, कॉस्ट इस तरह से बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 से दैट इन ए मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई व्हाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 15 मीटर हाई। देखा जाए क्या कहा गया है कि मॉडल ऑफ ए शिप, जैसे शिप का मॉडल तैयार किया गया है, है ना, पेपर पे तैयार किया गया है, तो 15 मीटर का जब एक्चुअल लेंथ है शिप का, तो उसके लिए जो उसका खंभा है, उसके लिए जो उसका एरियल एंटीना जो भी है, उसके हाइट के बारे में बताया गया है कि वो 9 सेंटीमीटर है, यानी कि 15 मीटर के लिए 9 सेंटीमीटर आपको मॉडल में यूज किया जा रहा है। इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 35 मीटर हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, है ना, तब मॉडल शिप में जो उसका लंबाई होगा वो क्या होगा। तो सिंपल सा है, 9 सेंटीमीटर के लिए 15 मीटर यूज हुआ है, तो 35 मीटर के लिए कितना सेंटीमीटर यूज होगा, सिंपल सा इसको बना लेना, बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे 15 9, 35 के लिए यहाँ x निकाल लोगे, बन जाएगा, सिंपल सा कुछ है नहीं। नेक्स्ट 10 नंबर, इन 8 डेज द अर्थ पिक अप 6.4 × 10⁻⁷ kg ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमोस्फेयर, हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 डेज। तो ये भी कर लेना ही है, बहुत ही इजी है, कुछ खास है नहीं। 8 डेज में कितना पिकअप किया, तो 6.4 × 10⁷, तो डेज को डेज वाले में रखोगे और डस्ट वाले को डस्ट वाले में, है ना। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे क्या रखोगे टाइम के बाद, यहाँ पे डस्ट, यहाँ पे कितना टाइम है 8 डेज में 6.4 × 10⁷ केजी है, तो आपका 15 डेज में यहाँ पे निकाल लोगे, बहुत आसान है। 11th नंबर, ए कार इज ट्रेवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 1 hour 12 minutes। चलो आराम से इसको बनाया जाए। स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, मीन्स यहां पे देखा जाए डिस्टेंस टाइम, 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, एक घंटे में 50 किलोमीटर जाना, 1 hour। अब पूछा है कि एक घंटा
12 मिनट में वो कितना जाएगा, तो 1 आवर 12 मिनट का मतलब कितना आवर हो गया जी, 12 मिनट का मतलब समझते हो आप, 12 मिनट जब है आपका तो इसको आप क्या कर लो, आवर में बदलो, तो 1 + 12/60 आवर हो जाएगा, हो गया। यहां से कितना आ गया ये, आप आराम से इसको सॉल्व करोगे तो 72/60 आवर हो गया। यहां से और भी ज्यादा करोगे तो और भी कुछ प्रोसीड होंगे, चलो यहां से 5 हो गया 1, यानी कि टोटल 6/5 आवर हो गया, ठीक है। तो 6/5 आवर है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई, तो यहाँ पे एक्स कर लो, यहाँ पे है 50/1 = x/6/5 बनाना है, बन जाएगा आपसे, मैंने इतना काफी बता दिया है। रवि 12 नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12, रवि वॉक एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5 km/h, व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 2 hours 24 minutes। फिर से एक बार, रवि वॉक्स एट द यूनिफॉर्म रेट 5 km/h, क्या कहा गया है कि वो यूनिफॉर्म रेट यानी कि 5 km/h बोला है, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर, टाइम है 1 hour, डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, तो 2 hours 24 minutes में कितने जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बना लोगे। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे 50 की जगह 5 किलोमीटर, 5 km/h मतलब 1 घंटे में 5 घंटा जा रहा है, तो 2 hours 24 minutes में कितना जाएगा, यही ना है, तो क्या करोगे 24 मिनट के लिए, 2 + 24/60 आवर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां से कैंसिल करोगे तो 2/5 आ जाएगा, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा, आप बना लोगे, यहां से 12/5 आवर हो गया, आप सॉल्व कर लेना, दिस बाय दिस एक्स बाय दिस कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। 13 देखा जाए, इफ द थिकनेस ऑफ ए पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड इज 65 mm, फाइंड द थिकनेस ऑफ ए पाइल ऑफ 312 सच कार्डबोर्ड। तो इसमें सिंपल सा तो है, 12 कार्डबोर्ड का जो थिकनेस है वो 65 mm है, तो उसी टाइप के 312 रहेंगे तो उसका थिकनेस क्या होगा, तो फाइंड आउट कर लेना, नंबर ऑफ पाइल्स इसमें 12 है तो थिकनेस 65, इधर नंबर ऑफ पाइल जो है 312 है तो थिकनेस फाइंड आउट करो, बन जाएगा, बहुत इजी है। 14th नंबर, 11 मैन कैन डिग 6 holes 3/4 meter लॉन्ग ट्रेंस इन 1 day, हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 27 meter लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम टाइप इन 1 day। तो देखा जाए जैसे 11 आदमी मिल करके एक दिन में, यानी कि 6 holes 3/4 मीन्स 6 × 4 = 24, यानी 27/4 meter का कोई सुरंग जो है या कोई गड्ढा जो है उसको खोद देते हैं, तो कहा गया है कि 27 meter के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो वह सिंपल सा है, मेन यहाँ पे लेंथ कर देना, डिगिंग लेंथ जो हो गया, यहाँ पे आपका 11 है तो 6 × 4 = 24 और 327/4 meter, और यहाँ पे आपका x कर लो तो यहाँ पे 27, क्योंकि 27 meter ही तो आपको डिगिंग करवाना है, बस रेशियो में लगाओ, यानी कि प्रोपोर्शन का जो मेथड है लगाओ, बनेगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, रिनू टाइप्स 540 बर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे में 540 बर्ड को टाइप करती है, हाउ मेनी बर्ड ही टाइप्स इन 8 मिनट, तो हाफ एन आवर का मतलब 30 मिनट, कितना 30 मिनट, 30 मिनट कितना बर्ड हो गया जी, हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट और 540 बर्ड, तो 8 मिनट एक्स बर्ड निकाल लोगे, है ना, ये टाइम हो गया बर्ड टाइप इस तरह से। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजी चैप्टर था, तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे।